स्वागत है आप सभी का दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी विद स्वाति में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे D.el.ed या BTC प्रथम सेमेस्टर 2016 के क्वेश्चन पेपर को लेकर के, जो कि आपका फर्स्ट टाइम हुआ था। इसका जो सेकंड टाइम हुआ था उसको भी मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका सष्टम प्रश्न पत्र हिंदी शिक्षण का है। और अगर इसके प्रीवियस वीडियो की मैं बात करूँ तो मैंने आपकी हिंदी शिक्षण से 2017 और 18 के क्वेश्चन पेपर को लेकर के बात की थी। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको D.el.ed प्रथम सेमेस्टर से रिलेटेड सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे। पेपर 1, पेपर 2, SST, विज्ञान, कंप्यूटर, हिंदी, संस्कृत, ठीक है। तो आप इसके लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया है कि कैसे आपके रेपिटेटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर पढ़ें। चलिए हम शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये आपका क्वेश्चन पेपर नंबर 6 है, हिंदी शिक्षण। इस पेपर के लिए अगर समय की बात की जाए तो आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। साथ ही पूर्णांक यानी टोटल मार्क्स की बात की जाए तो ये आपका 25 नंबर का पेपर रहेगा। साथ ही टोटल क्वेश्चंस की बात की जाए तो आपको 18 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इस पेपर में। और यहाँ पर अगर हम निर्देश देखें यानी इंस्ट्रक्शन तो दिया है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिए गए हैं। इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के प्रश्न हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों के सही विकल्प छाँट कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अति लघुतरी प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में और लघुतरी प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखना है। तो अगर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के लिए 30 वर्ड्स और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के लिए 50 वर्ड बताया गया है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रखते तो आपका पेपर नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए हम देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न यानी जिसे आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न या मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन कहते हैं। टोटल आपके 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ईच क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, शा शा सा हा व्यंजन कहलाते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है ऊष्म, सेकंड ऑप्शन है अंतस्थ, थर्ड ऑप्शन है संयुक्त तो, और फोर्थ ऑप्शन है द्विगुण। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है अहि शब्द का अर्थ है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है सर्प, सेकेंड ऑप्शन है शार्दुल, थर्ड ऑप्शन है नृप और फोर्थ ऑप्शन है भौरा। उसके बाद थर्ड आपका क्वेश्चन है स्थावर का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है सचल, सेकंड ऑप्शन है चेतन, थर्ड ऑप्शन है चंचल और फोर्थ ऑप्शन है जंगल। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। पहला ऑप्शन है कुमुदिनी, सेकंड ऑप्शन है कुमुदिनी, थर्ड ऑप्शन है कुमुदिनी और फोर्थ ऑप्शन है कुमुदिनी। तो इसमें आपको जो शुद्ध शब्द होगा वो छांट करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, दूसरा ऑप्शन है रामचंद्र वर्मा, थर्ड ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत और फोर्थ ऑप्शन है बाबूराम सक्सेना, ठीक है। तो ये हो गए आपके बहुविकल्पी प्रश्न जो कि टोटल आपके 5 क्वेश्चन थे। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का था। चलिए आगे हम देखेंगे अति लघु उत्तरी प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ये टोटल आपके 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। शब्दों की सीमा 30 वर्ड्स बताई गई है, आप उनसे कम भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम 6 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, अंश और अंश में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था 2018 के क्वेश्चन पेपर में। और या अलावा किस प्रकार के व्यंजन है तो ये भी पूछा गया था। बस यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के हैं, ठीक है। बाकी आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके वही हैं। उसके बाद 7 क्वेश्चन है या अलावा किस प्रकार के व्यंजन है। 8 क्वेश्चन है स्वर किसे कहते हैं। 9 क्वेश्चन है अर्वाचीन और उचित का क्रमशः विलोम शब्द लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है अनुस्वार किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है शब्द एवं पद से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। टोटल आपके 6 क्वेश्चन थे। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का था और टोटल वर्ड्स 30 बताया गया है, बट आप उससे कम भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ये टोटल आपके 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा और टोटल वर्ड्स की बात की जाए तो 50 वर्ड्स आपको लिखना है। बट अगर आपके पास समय कम है तो आप कम करके भी वर्ड्स लिख सकते हैं यानी 50 वर्ड से कम।
तो यहाँ पर 12 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया है, अग्नि अमृत तथा गणेश के दो दो समानार्थक शब्द लिखने हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, अल्प विराम अर्ध विराम पूर्ण विराम प्रश्नवाचक चिन्हों को एक एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, पठन का क्या अर्थ है, आरंभिक स्तर पर पठन शिक्षण की दो विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, कविता शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, सोधारण स्पष्ट कीजिए, यानी एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मिश्रित वाक्य का क्या अभिप्राय है, एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, शुद्ध वर्तनी की आवश्यकता एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपके टोटल 7 क्वेश्चन थे, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। इस तरह से यहाँ पर जो आपके लघु उत्तरी प्रश्न थे वो कंप्लीट हो गए हैं, आप इन्हें देख लीजिए। आप पूरे क्वेश्चन पेपर को ज़रूर पढ़ के जाएँ, जितना हो सके आप एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ के जाएँ तो आपके 90-95% पक्के हैं, नंबर आपको D.el.ed में अच्छे मिलते हैं, ठीक है। इसके लिए आप परेशान मत हों, अगर आपने अभी भी पढ़ाई शुरू नहीं की है तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको ही पढ़ लीजिए, काफ़ी हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट के माध्यम से आपके जो भी प्रश्न हैं, आपके जो भी सुझाव हैं आप दे सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स। थैंक यू।